Hello, students, welcome to my channel Best Education Classes. In today's video, we are going to learn and discuss the question answers of 6th Standard Mathematics, chapter number 17 Geometrical Construction. So, students, get ready with your geometrical box. geometry box components ke uses So, first, we are going to जस्ट रिकॉल दैट वॉट इज अ प पर पेंडिकुलर लाइन पोपेंडिकुलर लाइन क्या होता है सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ की है उस लाइन को इंटरसेक्ट करने के लिए हम एक दूसरा लाइन बनाते हैं जो उससे पोपेंडिकुलर होता है यानी कि नाइन्टी डिग्री पर आके इंटरसेक्ट करता है उसे कट करता है नाइन्टी डिग्री पर राइट एंगल पे तो उससे हम प पेंडिकुलर लाइन कहते हैं और इसमें आपको याद रखना है स्टूडेंट्स दैट डिस सिंबल

एंड सेम लाइन पर आप उसका अलाइनमेंट मेन्टेन करके यू कैन ड्रॉ अ पेंडिकुलर लाइन एज इट इज़ डन इन द डाइजस्ट फॉर यू देन यूजिंग अ प्रोटेक्टर जो प्रोटेक्टर होता है आपको जो सेमी सर्कुलर शेप का सरूलर दिखता है तो प्रोटेक्टर इज़ यूज टू काउंट दी एंगल्स सो वैन यू ड्रॉ अ लाइन आप किसी भी लाइन को ड्रॉ करके आपके टीचर ने आपके बुक में जो भी कुछ सम होगा कि आपको सपोज कोई मेजरमेंट या कोई एंगल आपको बनाना है सिक्सटी डिग्रीज पे तो आपको लाइन बना देना है उसके ऊपर एक पॉइंट बना देना है जहाँ से आप एंगल बनाओगे एंड फिर आपको अपने प्रोटेक्टर को रख के ये जो बीच की लाइन है इसको अलाइन करना है उस पॉइंट के साथ में एंड फिर आइदर ऑन दी लेफ़्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड में आप उस एंगल को सपोज़ हमने 60 डिग्री का एक एंगल बनाना है तो यहाँ से हम लोग 60 डिग्रीज देख लेंगे उस पर मार्क करेंगे फिर प्रोटेक्टर को हटा के कुछ इस तरीके से रख के लाइन उस पॉइंट तक बना देंगे सो दैट विल बी अ एंगल ऑफ 60 डिग्री सो दिस वे यू कैन यूज योर प्रोटेक्टर लेट्स सी द नेक्स्ट वन यूज ऑफ अ कंपास। तो कंपास को हम यूज़ करते हैं बेसिकली एक सर्कल को बनाने के लिए सपोज आपको कोई सर्कल बनाना है जो जो पर्टिकुलर एक लेंथ का है तो आप स्केल पर रख के कंपास को आपके प्रो आपके कंपस को एक स्केल पर रख के मेजरमेंट कर सकते हो और फिर उसे कहीं पर भी बना कर रख कर उस लेंथ का आप सर्कल बना सकते हो या फिर हम कंपस का यूज़ करते हैं आर्क बनाने के लिए आर्क हम बनाते हैं सपोज आपको यहाँ कुछ मार्किंग करनी है कुछ एक पर्टिकुलर मेजरमेंट पे तो आप स्केल से अगर बनाओगे तो उसके अलाइनमेंट ख़राब हो सकती है स्टूडेंट्स तो अलाइनमेंट ख़राब ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं कि प्रोटेक्टर में कंपस में एक सर्टन मेजरमेंट ले लेते हैं सपोज थ्री सेंटीमीटर हमने यहाँ थ्री सेंटीमीटर मार्क कर दिया फिर यहाँ से हमने रखा फिर यहाँ थ्री सेंटीमीटर मार्क कर दिया एंड फिर जो भी शेप हमें बनाना है हम वहाँ पर बना सकते हैं अपने रिक्वायर्ड मेजरमेंट पे लेट्स सी प्रैक्टिस सेट नंबर थर्टी नाइन सो फर्स्ट वाला जो है बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स ड्रॉ अ लाइन एल टेक एनी पॉइंट पी ऑन द लाइन यूजिंग सेट स्क्वायर ड्रॉ अ लाइन पोपेंडिकुलर टू द लाइन एल एट द पॉइंट पी तो आपको रैंडमली किसी भी मेजरमेंट का एक लाइन ड्रॉ कर देना है स्टूडेंट्स वो लाइन का नाम है लाइन एल एंड उस पर कहीं पर भी एक पॉइंट पी बना आपको पी बना लेना है एंड फिर वहाँ से आपको सेट स्क्वायर को यूज करके एक पोपेंडिकुलर लाइन बना लेना है वेरी सिंपल वन सेकेंड ड्रॉ अ लाइन ए बी

और कंपस को लेके उसमें लेटस से थ्री सेंटीमीटर का मार्किंग कर लो यानी कि आप रूलर रखोगे रूलर पे आप कंपस का एक जो नुकीला जो हिस्सा होता है वो ज़ीरो पे रखो एंड जिसमें पेंसिल होगा उसको थ्री पे कर दो ओके okay? तो ऐसे थ्री सेंटीमीटर मार्क कर दो नाउ आपने जो पॉइंट बी बनाया है ओके okay? जो आपने पॉइंट बी बनाया है स्टूडेंट्स उसके ऊपर आप अपना कंपास प्लेस करो कंपास प्लेस करने के बाद यहाँ पर और यहाँ पर थ्री सेंटीमीटर आप मार्क कर लो आफ्टर दैट आप कंपास पॉइंट बी से हटाओ और इस पॉइंट पे रखो जो आपका ये वाला पॉइंट है वहाँ सेंटर में रखो और वहाँ से एक आर्क यहाँ बना लो एक आर्क नीचे की तरफ बना लो सॉरी आपको थ्री सेंटीमीटर के बाद में उसका साइज़ इंक्रीज करना होगा बट साइज़ आपको हिलाना नहीं मैंने आपने थ्री सेंटीमीटर यहाँ मार्क कर लिया है स्टूडेंट्स तो उसके बाद आप उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो और एक्सटेंड करके लेटेस्ट कंसीडर फाइव या सिक्स सेंटीमीटर्स कर दो फिर एक आर्क यहाँ बना दो एक आर्क नीचे की तरफ फिर आप कंपास को यहाँ पर इस पॉइंट पर रख लो फिर यहाँ आर्क बना लो और यहाँ आर्क बना लो एंड उसके बाद जस्ट आपको एक लाइन खींच देनी है सो so, इस तरीके से आपका जो पोपेंडिकुलर है लाइन वो बन सकता है अगर आपकी अलाइनमेंट प्रॉपरली पॉइंट बी पे नहीं आ रहा है तो आप पेंसिल से आपने लिखा होगा उसे इरेज करके जहाँ पर भी अलाइन हो रहा है उससे आप पॉइंट बी लिख सकते हो इन केस आपको चेक करना है कि आपकी लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं तो यहाँ पर आप प्रोटेक्टर का हेल्प ले सकते हो या सेट स्क्वायर का प्रोटेक्टर आप यहाँ पर रखोगे पॉइंट बी पे और पॉइंट बी पे आप रख के प्रोटेक्टर से देख लोगे कि ये बराबर 90 डिग्रीज पे आ रहा है कि नहीं या फिर आप सेट स्क्वायर को भी रख के उसके एजेस से आप उसे मेजर कर सकते हो कि 90 डिग्रीज पे है कि नहीं तो ऐसे आप सिंपल वे में इसे बना सकते हो बट आप ट्राई करना स्टूडेंट्स कंपस से ही आप बनाओ चीटिंग आपको नहीं करनी है यहाँ पर बिकॉज ये कंस्ट्रक्शंस सब आपको बहुत ही काम आने वाले हैं सेकेंड क्वेश्चन देखो आपको फिर परपेंडिकुलर लाइन बनाना है इस बार प्रोटेक्टर यूज करके सो so आप फिर से वैसे ही करोगे पहले बेस बना लोगे लाइन बना लोगे फिर अपना प्रोटेक्टर आपको प्लेस करना है पॉइंट एम बना के प्रोटेक्टर प्लेस करना है 90 डिग्रीज को मार्क करके बस लाइन आपको बना देनी है नाउ ड्रॉइंग अ पर्पेंडिकुलर लाइन पर्पेंडिकुलर टू अ लाइन फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द लाइन यानी कि लाइन के बाहर से किसी पॉइंट से पर्पेंडिकुलर लाइन आपको बनाने आप सीखना है कंपास और स्केल प्रोटेक्टर सेट स्क्वायर के हेल्प से ओके स्टूडेंट्स स्ट्रेट अवे लेटेस्ट सी प्रैक्टिस सेट नंबर फोर जीरो फोर्टी ड्रॉ लाइन एल टेक एनी पॉइंट पी आउटसाइड द लाइन यूजिंग अ सेट स्क्वायर ड्रॉ द लाइन पी क्यू पर्पेंडिकुलर टू लाइन एल तो स्टूडेंट्स यहाँ देखो हम कैसे करेंगे इसे फर्स्ट आप एक लाइन ड्रॉ कर दो कहीं पर भी रैंडमली पॉइंट पी बना दो अब सेट स्क्वायर आप लोगे बस आप यहाँ से अलाइनमेंट बिठाओगे अपने सेट स्क्वायर का कुछ ऐसे और यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे एंड सिंपली आपका जो सम है वो सॉल्व हो गया नेमिंग कर देना प्रॉपरली लाइन को एल नाम देना है पॉइंट को पी नाम देना है और जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे क्यू नाम देना है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो अपने स्क्रीन पर नेक्स्ट यूजिंग अ कंपास आपको पपेंडिकुलर लाइन बनाना है तो सी ओवा स्टूडेंट्स पहले हमें लाइन ए बना लेनी है फिर कहीं पर भी रैंडमली पॉइंट एम को बना देना है ओके नाउ यूजिंग अ कंपास हम लोग क्या करेंगे कंपास और रूलर को यूज़ करके हम एक दूसरा लाइन बना लेंगे तो हम कंपास लेंगे स्टूडेंट्स पॉइंट ए पे रखेंगे ए पे रख के एक आर्क एम के तरफ बना लेंगे मीन्स एम जितना भी दूर है उससे उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर आर्क बना लोगे सेम मेजरमेंट का आप आर्क नीचे की तरफ बनाओगे देन आप आ जाओगे पॉइंट बी पे फिर बी पे आप वापस आर्क बना लोगे सेम मेजरमेंट का और यहाँ पे भी आर्क बना लोगे आपको यहाँ पर थ्रू आउट कंपास को बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं करना है बिल्कुल भी उसका मेजरमेंट हिलाना नहीं है आपको सेम मेजरमेंट रखना है ट्राई करना है वो मेंटेन रहे एंड उसके बाद आप एक रूलर यूज करके स्ट्रेट लाइन बना सकते हो बनने के बाद स्टूडेंट्स आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो अपने प्रोटेक्टर और सेट स्क्वायर के हेल्प से एंड जस्ट आपको सेम ऐसे ही नेमिंग कर देना है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना है लाइन का नाम रहेगा एक्स वाई रैंडमली आपको इस पर आर पॉइंट ले लेना है अब सेट स्क्वायर यूज करके पम्पेटिकुलर लाइन आपको सिंपली ऐसे बना देना है सी स्टूडेंट्स इन सम्स में कहीं पर भी मेजरमेंट नहीं दिया है कोई भी तो आपको जस्ट एंगल्स और अलाइनमेंट का ध्यान देना है वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट सेक्शन में जाके हमें आपके और एजुकेशनल डिमांड्स के बारे में बताइए चैनल के प्ले लिस्ट में ऑलरेडी आपके सारे चैप्टर्स कवर्ड हैं आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और भी सब्जेक्ट और भी सब्जेक्ट्स के और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो